यमुनानगर के गांव लापरा से अवैध माइनिंग से जुड़ा एक और बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। अब ये जो पुलिस के द्वारा यमुनानगर के इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा जिस ट्रैक्टर ट्रॉली को लापरा गांव से कब्जे में लिया गया है, पहले तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये ओवरलोड है, गटके से भरा हुआ है ये ट्रैक्टर जिसे पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया जाता है। अब ये अवैध है या वैध है वो जाँच का विषय है, लेकिन अभी के लिए माइनिंग जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में इस मामले को डाल दिया गया है। अब इस आने वाले समय में इस ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया जाएगा या इसका चलान किया जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन यमुनानगर के सदर थाना पांसरा के अंदर गांव लापरा से अवैध माइनिंग से जुड़ा ये बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां, जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसके आगे ना कोई नंबर है ना जिसके पीछे कोई नंबर प्लेट है। और यमुनानगर जिले के अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी लोगों के साथ इस ट्रैक्टर ट्रॉली के चलते बड़े बड़े हादसे होते हैं तो उनकी नंबर प्लेटें नहीं लगी होती हैं, जिस वजह से एक तरह से ट्रैक्टर आने वाले जो चालक होते हैं उनका बचाव हो जाता है, क्योंकि जब नंबर ही नहीं होता तो उसके चलते ट्रैक्टर चलाने वाले चालक तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा पुलिस के लिए मुश्किलें आती हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं लापरा गांव से, आज अभी कुछ ही समय पहले अवैध माइनिंग के चलते एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो गटके से भरा हुआ है, इस ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया जाता है। इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा यह बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है और सदर यमुनानगर थाना पांसरा के जो इंचार्ज है केवल उनके संज्ञान में यह मामला डाल दिया जाता है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुनानगर के साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर अवैध माइनिंग से जुड़े ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अवैध माइनिंग पर लगातार अधिकारियों का, प्रशासन का शिकंजा तो कसता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर किस तरह से इस तरह के क्राइम को एक तरह से वो बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी के चलते यमुनानगर के जिस इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारी के द्वारा ये कार्यवाही अमल में लाई गई है वो विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। तो यमुनानगर के अंदर अवैध माइनिंग करने वालों पर प्रशासन का लगातार शिकंजा जारी। जी हाँ, यमुनानगर के गांव लापरा से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। बताना चाहेंगे, अभी कुछ ही समय पहले अवैध माइनिंग, जी हाँ अवैध माइनिंग से जुड़ा एक बड़ा मामला कि लापरा गांव से एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि प्रशासन के द्वारा यमुनानगर इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया जाता है और यमुनानगर के सदर थाना पांसरा में लाया जाता है। तो इसी के चलते जिनके द्वारा ये कार्यवाही अमल में लाई गई है या इस ट्रैक्टर ट्रॉली को हिरासत में लिया गया, कब्जे में लिया गया, वो विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार मामला जान लेते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। विजय कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये मामला, एक ट्रैक्टर ट्रॉली को आपके द्वारा कब्जे में लिया गया है और यमुनानगर के सदर थाना पांसरा में लेके आए हैं, पूरी जानकारी बताएं, किस तरह से आपको जानकारी मिलती है? हमारे इंचार्ज इंस्पेक्टर श्याम सुंदर को सूचना मिली थी कि बिलापरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉले द्वारा अवैध माइनिंग हो रही है, जिस पर उन्होंने हमारे को टीम गठित करके हमारे को भेजा। तो मौका पर मैं और मेरी टीम पहुंची तो हमें एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिया, जिसको रोक के हमने उसके कागज़ पूछे तो उसके पास कुछ नहीं मिला, तो उसको हमने यहाँ सदर थाने में लाकर खड़ा कर दिया, जिसको अभी सीज करवाया जाए। कहाँ से लेके आया जा रहा था इसको? लापरा गाँव से। और माइनिंग कहाँ से हो रही थी इसकी, ये तो जाँच का विषय पता करके। तो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला कहाँ पे है जो चला रहा था? ट्रैक्टर खड़े करा के उसको तो फारिग कर दिया, उसकी फोटो वगैरह लेकर एड्रेस लेकर उसको फारिग कर दिया। ठीक है, ट्रैक्टर के ऊपर ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है, ऐसे में कोई हादसा है दो कौन भी नंबर होगा। वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी जी, इसलिए मौके पर सिचुएशन देखते हुए हम इसको यहाँ सदर थाने में ले आए। अभी इंचार्ज के संज्ञान में ये मामला पहुँच चुका है सर? हाँ, मामले इंचार्ज साहब को बता दिया, अभी इसको सदर थाने में खड़ा करवा। अभी आपकी ओर से क्या कार्यवाही चल रही है इसमें? इसको सीज कराएंगे जी। इसको सीज करवाएंगे आप लोग या करवा दिया? नहीं, सीज कर, ये माइनिंग ऑफिसर कौन को जी सूचित कर दिया गया है। हाँ जी, तो अभी वो थोड़ी देर तक अभी उनकी टीम वहाँ यहाँ आ रही है जी। वो इसके ट्रैक्टर ट्रॉली और इनके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, अवैध मिलते हैं तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी होगी जी। करीब कितने बजे पहले का मैटर है ये सर? ये करीब आधा पौना घंटा पहले की बात है जी, लापरा गाँव से ही मिला था तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ होगी, इस वजह से वहाँ से यहाँ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है जी। हाँ जी, तो अग्रेसिव हो जाते हैं लोग, इस वजह से हमें जल्दबाजी में बिना वहाँ कोई छानबीन करे हमें मजबूरन जल्दबाजी में इनको यहाँ लाना पड़ा जी।